जय श्री महाकाल। आदेश, आज मैं आप लोगों को गढ़े हुए धन के विषय में बताने वाला हूँ, यानी खजाने के विषय में। और ये जो वीडियो है ये इसलिए बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी मिले और साथ में आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन हो सके। ये हकीकत वाला वीडियो है और सत्य बात है ये, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए मनोरंजन के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी ये सोच के फ़ोन मत कर दीजिएगा ऑफिस में, हमारे जो ऑफिस के नंबर हैं, कि विश्वनाथ हगोरी जी धन निकलवाएंगे या आपके इस काम में आपका साथ देंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस में कई बार ऐसे कॉल आ चुके हैं, 5-6-7 बार ऐसे कॉल आए हैं कि हमारे घर में धन है बाबा जी, हमें धन निकलवाना है, हमारे खेत में धन गड़ा है, बड़ा सांप घूमता है, शक्तियां बांध दोगे धन निकलवा दोगे, ऐसे तमाम लोगों के आए हैं। तो हमारे यहाँ से एक ही चीज़ बोली जाती है कि हाँ बेशक निकलवा देंगे धन, हम पुलिस वालों के साथ आएंगे, आप एड्रेस दीजिए, हम पुलिस वालों को लेके आते हैं आपके घर, फिर निकलवाते हैं आपका धन। इसके बाद वहाँ से फ़ोन काट दिया जाता है, क्योंकि कोई भी काम हम इस तरीके का नहीं करवाते हैं जो कि आपके सरकार के विरुद्ध हो। 5 फुट से नीचे की आने वाली जो चीज़ है, वो कोई भी धातु हो, कोई भी चीज़ हो, यदि आप इस तरीके से निकालते हैं तो वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर में आती है और भारतीय कोषागार में जमा कर दी जाती है। और जिसके बदले जिस व्यक्ति के यहाँ वो चीज़ या सामान निकलता है, उसका 10% उस व्यक्ति को दिया जाता है इनाम के तौर पे सरकार के द्वारा। और इसके अलावा जो लोग बदमाशी से ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं या इस तरीके के काम करते हैं और 5 फीट से नीचे के कोई सामान को निकालते हैं, खजाने को निकालते हैं और गुपचुप तरीके से उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर दफीना का केस लगता है, जिनमें तमाम धाराएं होती हैं और जेल भी जाना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये मैंने बता दिया है ताकि आप लोगों को जानकारी रहे, क्योंकि जानकारी होना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको जानकारी होगी तो आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है तो ये ज़्यादातर गांव में ज़्यादा चलता है। अब कारण क्या होता है गांव में, कारण ये होता है क्योंकि गांव में खुली ज़मीन होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पुराने जो बंजारे हुआ करते थे, कुछ जातियाँ होती थी जो लुटेरे होते थे, वो कई बार ज़मीन में सामान गाड़ दिया करते थे और उन सामान को गाड़ने के बाद वहाँ पे एक बीजक बनाते थे। बीजक बोलते हैं एक निशान को, एक विशेष मूर्ति बना देते थे अजीब व गरीब तरीके की, 2 हाथ ऊपर हैं, पैर फैलाए हुए खड़ी है, सूरज बगल में बनाए, ऐसे अजीब सी मूर्ति बनी होती थी, उसको बीजक बोलते हैं। उस मूर्ति का कोई तात्पर्य नहीं होता था, ना ही वो मूर्ति किसी देवी देवता की होती थी, बल्कि वो मूर्ति होती थी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो अपने तरीके से बनाते थे कि 2 कदम चल के दाएं हाथ पे इतने से इतने बजे से जब सूरज उगेगा तब खोदने पे इतने इतने पे सामान मिल जाएगा, क्योंकि ज़मीन का स्तर बढ़ता रहता है, जैसे जैसे बारिश होती रहती है ज़मीन बढ़ती रहती है, ज़मीन की परतें बढ़ती जाती हैं, इस तरीके की कई बार स्थितियां होती हैं। तो वो वहाँ पे बीजक लगा देते थे ताकि वो अपने द्वारा लूटे हुए खजाने को दोबारा से ढूंढ सकें, दोबारा से खोज सकें। तो ये चीज़ें होती थी, तो कई सारे लोग इस धन वन के चक्कर में काफ़ी सारे लोग पड़े रहते हैं। सबको शॉर्टकट चाहिए, सब व्यक्तियों को। तो ऐसे कुछ केस हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वो केस ऐसे हैं कि कई तो झूठ हैं और कई वास्तविक हैं। कोई ऐसी बहुत पुरानी घटना है सुनी सुनाई कि उनका ये था कि वहाँ 4 लोग थे, 4 लोगों को पता लगा कि भाई कोई यादव जी हैं, तो उन यादव जी के घर में धन है, अब कोई बंजारों का धन है, वो जिस घर में रह रहे हैं और जिससे उन्होंने ख़रीदा था, तो वो घर कच्चा मकान था, वो किसी बंजारों का था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हौद बना हुआ था। तो जब वो हौद बना हुआ था बंजारों का, तो
किसी तांत्रिक बाबा जी को बुलाया होगा उन्होंने, तो तांत्रिक बाबा जी ने भविष्यवाणी कर दी कि जमीन के नीचे तो एक खांची है। खांची का मतलब होता है 1.5-2 क्विंटल, यानी 1.5-2 क्विंटल गोल्ड। तो बाबा जी ने भविष्यवाणी कर दी कि हौदी के नीचे एक खांची है, खांची में 1.5-2 क्विंटल गोल्ड है और कुछ 10-15 किलो चांदी है, आभूषण है, और उसके ऊपर एक सांप बैठा है, यानी शक्ति सांप बैठा हुआ है रखवाली करने को। तो ठीक है भाई, अब जब ये घोषणा हो गई तो यादव जी अपनी दुकान चलाते थे किराने की, यादव जी ने सोचा कि अगर ये निकाला है तो बड़ा लंबा चौड़ा हाथ लग जाए, काम बन जाए, हिसाब किताब बन जाए, सारे जो फैले हुए हैं, सारे के सारे जो काम नहीं बन पा रहे हैं ज़िंदगी में, तो हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए। तो अब बाबा जी से बोला, तांत्रिक बाबा जी जाने कहाँ से ढूंढ ढाड़ के लेके आए थे, तो बाबा जी से बोला, अच्छा तुम कितना लोगे? बाबा जी बोले 50%, आधा आधा, यानी कि अगर 2 क्विंटल निकलेगा तो 1 क्विंटल तांत्रिक बाबा जी ले जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये तय हो गई बातें। अब जब तय हो गई तो अब आसपास के गांव के लोग ना जान जाएं, तो ये डर भी सताने लगा। अब जब गांव के लोग ना जान जाएं तो दिन में तो खोद नहीं सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर हौदी है, अगर खोदेंगे तो लोग देखेंगे, छत से देखेंगे तो पूरे गांव में पता लग जाएगा कि फलां यादव जी के घर में धन खोदा जा रहा है और धन निकाला जा रहा है जमीन के अंदर से। तो यादव जी ने प्लान बनाया कि अब रात को खुदाई होगी, अब रात को खुदाई होगी। जब ये प्लान बनाया तो प्लान बन गया। अब तांत्रिक बाबा जी बैठ गए अपना दुनिया भर के मंत्र वंत्र पढ़ने, दुनिया भर के चौक वॉक बना के, दुनिया भर के नींबू पे सिंदूर बिंदूर लगा के, जाने क्या कहा, ट्रम सट्रम दुनिया भर के मंत्र पढ़े उन्होंने बैठे बैठे। 4 जने और बुलवाए, क्योंकि अकेले आदमी के तो बस की नहीं थी कि भाई वो हौदी के नीचे खोदें, फिर 7-8 फिट नीचे खोद के जहाँ खांची है छुपी हुई वहाँ से निकालें, बगल से सुरंग बनाने वाले थे हौदी के नीचे। तो 4-6 आदमी आए, गैंती कुदाल फावड़ा जाने क्या क्या, दुनिया भर के उन पर तिलक करे, धागे बांधे, मंद पड़े, कहीं शक्ति ना बैठ जाए इस पे, तो पता चला कुदाल खुल के सिर में घुस जाए, ऐसी तमाम बातें। तो जब ये तमाम बातें हुई तो लगा कि भाई होगा कुछ ना कुछ, काम शुरू हो गया। बाबा जी से बोला, बांध दिया सांप को? बाबा जी बोले, हाँ हाँ बांध दिया, नींबू में बंद कर दिया, नींबू में बंद कर दिया सांप को। सांप नहीं, वो कोई ब्रह्म राक्षस है और बड़ी शक्ति है, रखवाली कर रही है धन की, तो उसको बांध दिया। ठीक है भाई, अब काम शुरू हुआ। अब जब काम शुरू हुआ तो खोदा, कुदालें मारी, जैसे ही 2-2.5 फिट गड्ढा हुआ, रात को ये काम शुरू हुआ 12 बजे के आसपास। अब जैसे ही कुदाल मारे तो खन खन की, गांव में तो पता है आपको कि आवाज़ें फैलती हैं, तो दूर तक खन की आवाज़ जाए। कुदाल मारने से जैसे कुछ खोद रहा हो तो लोगों के तो कान चढ़ ही जाते हैं, और गांव में सब समझ जाते हैं कि भाई कहीं पे खुदाई चल रही है, धन खुद रहा है, और सब ये सोचते हैं कि हम देख लें तो हमारा भी हिस्सा मिलेगा। तो अब जैसे ही कुदाल उदाल मारे तो आवाज़ आए, तो डर डर के खोदें भाई, आवाज़ भी ना आ पाए। अब ये यादव जी की फूटी हुई किस्मत कह लो या कुछ और कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कि इत्तेफाक से उसी दिन गांव में कुछ कांड हुआ था, यानी कि कोई गांजा वांजा वाला पकड़ गया था, कोई गांजे वांजे पीने वाला, वो गांजे की पुड़िया वगैरह बेचता था, तो पकड़ गया था, तो उसने और लोगों के भी नाम लिए थे कि भाई कौन कौन क्या क्या करता है, तो उसी रात को पुलिस वालों का आना हो गया। तो जब पुलिस वालों का आना हो गया तो पुलिस वाले आए, जब पुलिस वाले आए तो गांव में जैसी पुलिस वालों की गाड़ी घुसी, 2.5-3 फुट यादव जी ने गड्ढा कर लिया था, तांत्रिक बाबा जी बैठे हुए थे, 3-4 जने खोद रहे थे, यादव जी भी खुदाई में साथ दे रहे थे। तो जब पुलिस वाले आए तो पुलिस का सायरन सुनाई दिया। अब जैसे ही सायरन सुनाई दिया तो कहते हैं ना, चोर को तो डर लगा रहता है, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है। यादव जी घबरा गए, अरे भैया कोई ने खबर कर दी गांव से, जल्दी बंद करो बंद करो, पूरो 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 गड्ढा, पूरो गड्ढा बंद करवा दिया, ना कुछ निकला ना कुछ, सारे लोग छुप गए कमरे के अंदर। तांत्रिक बाबा जी को बोरी में छुपा के, एक कमरा था जहाँ पे
उपले रखे रहते थे वहां पे, छुपा दिया उपले, आगे से लगा दिए बोरी के। अब डरे हुए थे, भगवान को याद कर रहे थे, कहीं पुलिस वाले ना आ जाएं तो ये देख लें गड्ढा, उखामो खा के केस लगा दें, निकला इकला कुछ नहीं, केस लगा देंगे। तो इस तरीके के डर गए यादव जी। अब पुलिस वाले तो और किसी काम से आए थे, अपना वो काम आम निपटा के चले गए। अब कुछ लोग जो आए थे अपने अपने घर से, वो भी अपने घर पे बता के आए थे। जब वो घर पे गए तो अब सब ने सलाह करी, यादव जी ने, सब तांत्रिक ने, कि भैया औरों को बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, एक खबर फैला दो। क्या खबर फैला दो? खबर ये फैला दो कि जैसे ही कुदाल मारी तो 3 फीट बाद सोने के सिक्के ही सिक्के निकले, कम से कम 30-40 सिक्के निकले। और जैसे ही वो सिक्के बाहर निकले वैसे ही एक छूटी हुई शक्ति थी, कुछ शक्तियाँ तो बाबा जी ने बंद कर रखी थी लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जो छूटी हुई थी, और जो छूटी हुई शक्तियाँ थी वो सांप के रूप में निकली और एक भड़ा भारी उस गड्ढे में से फुफकारता हुआ मूछ वाला सांप निकला। मूछ वाला सांप समझते हैं? अब मैं तो आज तक जिंदगी में नहीं देखा कि मूछ सांप के कैसे उगती है, लेकिन हो सकता है शायद ड्रैगन जैसा सांप रहा होगा, ड्रैगन की तो मूछें भी होती हैं। तो बिल्कुल वैसी ही क्रिएटिविटी बताई यादव जी ने, बोला ये फैला दो। जैसे ही वो सांप निकला, सांप ने निकलने के बाद वो सारे के सारे सिक्के, बड़ा मोटा भारी था, कम से कम 20-30 किलो का सांप था वो, क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक था। और हम लोग ने बाहर सिक्के निकाल लिए थे तो जैसे ही देखा सांप को आते हुए तो हम लोग भागे, और सांप ने बोला दूर भागो तुम लोग, तो ये बोला सांप ने, और सारे सिक्के मुंह में दबा दबा के वापस ले गए आपने, और अपने उसमें कोषागार में वापस रख लिए उसने, जहां से हम लोगों ने सिक्के निकाले थे। तो ये खबर फैला दी उन्होंने पूरे गांव में, जितने लोग गए थे, कि भैया बड़ा भयंकर है, ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर किसी ने, गांव वालों ने खबर कर दी तो पुलिस वाले आ गए थे, इसलिए काम रोकना पड़ा, नहीं तो हो ही गया था काम। तो ये खबर फैल गई, यादव जी का लोहा मन गया, लोग बोले अरे वाह ये तो जबरदस्त बात है। तो इस तरीके की बातें हुई। जब कोई बंदा था वो, उसके मुख से जब ये बातें सुनी, पता लगा कि ये कांड हुआ था यादव जी के वहाँ, उस दौरान ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये थी हकीकत बात कि यादव जी की हवा निकल गई थी, जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाज़ सुनी काम ही उन्होंने रोक दिया, कोई खुदाई उदाई नहीं हुई। अब वो तो भगवान जाने के वाकई में वहाँ पे कुछ धन था कि नहीं था। तांत्रिक बाबा जी थे, उन्होंने 12,000 की पूजा बताई थी, बाबा जी ने अपने 12,000 रुपये लिए, बाबा जी ने तुरुतानी चले गए, ठीक है। तो ये कहानी है, इस तरीके से प्रपंच रचता है, रचा जाता है इन तमाम धन वाली जो कहानियाँ हैं कि फला आदमी के यहाँ धन निकला, उसके यहाँ ये निकला। अब ऐसे ही हमारे हैं चेतन शर्मा जी हैं, अब वो हमारे YouTube देखते हैं, अब उन्हें भी किसी ने ऐसे ही बेवकूफ़ बना रखा है। उनकी एक कहानी थी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, चलो इसी वीडियो में ही बता देता हूँ। अब इतनी सारी बातें हो गई, इतने सारे लतीफ़े हो गए तो एक और हो जाए। तो चेतन शर्मा जी को किसी ने बताया कि एक बाबा जी थे कोई, तो उनके कोई परिचित के थे रिलेटिव, तो उन रिलेटिव को ले गए वो बाबा जी रात को 2 बजे, और ले जाके कीकर के पेड़ के पास ले गए। जो अब कीकर के पेड़ यानी कि बबूल के पेड़ के पास ले गए, 3 लोग थे, एक वो बाबा जी हो गए, दूसरे इनके रिलेटिव हो गए शर्मा जी के, चेतन शर्मा जी के, और तीसरे 2 जने और थे। तो ये सब लोग पहुँचे, इसमें से हो सकता है कुछ बातें छूट भी जाएँ, अब पूरा विस्तार से तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जितना याद है उतना बता देता हूँ। मैसेज आया था उनका व्हाट्सएप पे। तो हुआ यूँ कि तांत्रिक बाबा जी ने अनाप शनाप जाने जो भी मंत्र पढ़े हो, मंत्र पढ़ू के पानी आनी मारा हो, जो भी किया हो, तो बबूल में से एक परछाई निकली। आधे घंटे बाद परछाई निकली, और परछाई के हाथ में था एक बड़ा भारी काला बैग, और उस काले बैग में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-60 करोड़ रुपये रखे होंगे। चैन खोल के देखी तांत्रिक बाबा जी ने, इनके रिलेटिव ने देखी, सब ने देखी, उसमें सब नोट भरे हुए थे। उस परछाई ने बोला कि इसमें 50 करोड़ रुपए हैं, तुम ले जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन इसमें से 10% पुण्य भी निकाल देना, और ये बोला उन्होंने। तो तांत्रिक बाबा जी बोले ठीक है। अब सब ने सलाह बांध ली कि ठीक है, सारा जो पैसा है वो आपस में बाँट लेंगे। और बाबा जी ने फिर उसको भोग दिया, एक मांस का टुकड़ा दिया, तो उसने उठा के खा लिया,
शराब चढ़ाई तो शराब पी गया वो, जो काली परछाई खड़ी थी उसकी बात करो, उसने पी लिया। तो जब ये सब कर लिया उस काली परछाई ने, खड़ी रही वो काफ़ी देर तक, रुकी रही वहीं देख रही थी सब। तो जब ये सब हो गया तो होने के बाद ये हुआ कि उसमें से एक व्यक्ति था गद्दार, और गद्दार ने ये काम किया कि बैग उठाया और गद्दार भागा। और जैसे ही गद्दार भागा तो 100 मीटर भागा होगा गद्दार, काली परछाई गायब हो गई थी, घुस गई थी बबूल के अंदर, फिर से वापस निकली और काली परछाई ने शक्ति मारी, और शक्ति मारने से ये हुआ कि वो आदमी वापस आ गया वहीं के वहीं, और वो जो सारा पैसा था वो सारा ख़राब हो गया। शक्ति ने बोला, काली परछाई ने बोला कि इसमें ये व्यक्ति ख़राब था, इसलिए तुम लोगों की अब मैं नियत पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सारा का सारा पैसा कागज़ हो जाएगा। और ये बोलते ही वो काली परछाई गायब हो गई, फिर से घुस गई बबूल के अंदर। और जैसे ही बैग खोल के दोबारा देखा तो वो सारे के सारे जो नोट थे वो लाल रंग के कागज़ बन गए। तो ये कहानी थी, अभी उन रिलेटिव ने चेतन शर्मा जी को सुनाई। तो हमने ये बोला चेतन शर्मा जी कि एक काम करिए, आप उन रिलेटिव को बोल दीजिए कि एक काम करें आप, वो जो कागज़ वाले नोट हैं वो हमें दिखा दो, कहाँ हैं वो कागज़ वाले नोट, और वो तांत्रिक बाबा जी को ले आओ जो बाबा जी ने परछाई निकाली थी। अगर बाबा जी एक बार निकाल सकते हैं तो दोबारा भी निकाल सकते हैं, और बाबा जी जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अगर इससे बाबा जी किस धार्मिक कार्य में लगाएंगे, अगर बाबा जी कोई भी धर्म से हैं, बाबा जी अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के लिए करेंगे, बाबा जी अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए करेंगे, बाबा जी अगर किसी और धर्म से हैं तो और धर्म के लिए करेंगे। तो क्या बाबा जी अकेले में वो काम नहीं कर सकते हैं? क्या बाबा जी वो पैसा निकाल के अपने धर्म के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे ये तमाम लतीफ़े हैं जो झूठ मूठ में फैला दिए जाते हैं। होता क्या है कि ये लोग घर से बोल के जाते हैं कि मैं ये काम करने जाऊंगा, और जब वो काम नहीं होता तो ये लोग ये सोचते हैं कि घर जाके घर वालों को क्या जवाब देंगे। घर वालों को तो हम ये बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं एक बड़ा काम करने, जब हम आएंगे तो खूब सारा पैसा होगा, और जब वो काम नहीं होता है तो घर वालों को क्या जवाब दें? तो उसके लिए तमाम लतीफ़े बना दिए जाते हैं, ये लतीफ़े फैलते फैलते पंचतंत्र की कहानी जैसे फैल जाते हैं, और उसके साथ ही ये होता है कि एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है लोगों के दिलों में, और वो अंधविश्वास ऐसा बैठ जाता है कि लोगों को लगता है सच में हुआ होगा। तो ये हकीकत है गुप्त धन की, और इसके साथ कुछ वास्तविक भी हैं जो मैं आपको आगे के वीडियो में फिर कभी बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में मज़ा आया हो गड़े हुए धन की कहानी और लतीफ़े सुन के, तो मुझे बता देना, तो मैं अगला वीडियो फिर से बना दूंगा। क्योंकि ये जो बातें बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई बता रहा हूँ आपको, ये जो बता रहा हूँ ये हकीकत है, ये हुए हैं सारे के सारे चीज़ें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि दिमाग से काम लें और सही तरीके से काम लें, कोई भी तांत्रिक बाबा जी, कोई भी व्यक्ति आपको पप्पू बनाए तो पप्पू ना बने, और चीज़ों को समझें, नहीं तो कोई भी बाबा जी फिर इसी तरीके से पप्पू बना देगा। तो ये हकीकत है, और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि भैया गड़ा धन का मसला तो छोड़ ही दो, मुझे गड़े धन पे शोध करते हुए 10 साल हो गए, तमाम लोगों से मिला, गड्ढे कर करके 10-10 फीट के गड्ढे कर दिए लोगों ने, बस ये समझ लो कि और अगर गड्ढा करते तो पानी निकल आता ज़मीन से, लेकिन खजाना नहीं निकला। तो खजाने ऐसे नहीं निकलते, अगर ऐसे खजाने निकलने लगे तो वो जो हुआ था एक शोभन सरकार वाला, वो JCB लगवा के वो काम कराया था, वहाँ से भी निकल आता, ऐसे धन नहीं निकलते। लेकिन हाँ, वो जो बताया था उन बाबा जी ने वो सही था, लेकिन उसके ऊपर जो सह थी वो बहुत बड़ी सह थी, और ज़मीन से ऐसे चीज़ को निकालना असंभव है, हो ही नहीं सकता है। जब तक चीज़ पर्दे में है तब तक हो ही नहीं सकता है। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं ज़मीन से माल निकला, ख़राब हो गया, पीतल हो गया, पीतल ही तल कुछ नहीं हो गया, वो एक्चुअल में पीतल ही था, पीतल ही था वो। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, मैं सिर्फ यही समझाऊँगा आप लोगों को कि ऐसे बाबा जी ऐसे तांत्रिकों से ना मिलें, और इस झांसे में तो बिल्कुल ना आए धन वन के चक्कर में, नहीं तो वही होगा आपके साथ
जो औरों के साथ हुआ है। बाबा जी तो अपनी फीस लेके चले जाएंगे, आपको निकले या ना निकले वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।